हेलो फ्रेंड्स, मैं ध्रुव कुमार आप सभी का अचीवो में स्वागत करता हूँ। आज हम लोग इस वीडियो में आविष्कार और आविष्कारक के बारे में देखेंगे, जहाँ से एसएससी सीजीएल और सीटीएसएल में लगातार प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछा गया है। ठीक है, साथ में कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी देखेंगे जो आपके एग्जाम्स में रिपीट हो सकता है, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे, पीवीआई क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट है कि रडार के आविष्कारक कौन है। यहाँ पे पूछा है कि रडार का आविष्कारक कौन है, तो ऑप्शन की बात करें तो टैसेल, रोंटजेन, फॉक्सबर्ट, टेलर एवं यंग। तो आंसर बताइए क्या होगा इसका। आंसर है यहाँ पे डी, जो रडार के आविष्कारक है टेलर और यंग को इस आंसर है। यहाँ पे बात करें यहाँ पे मरकरी बैरोमीटर, मरकरी बैरोमीटर, मर्करी बैरोमीटर, इसके आविष्कारक कौन है? तो मर्करी बैरोमीटर जो है उसके आविष्कारक हैं टोरी सेली। ये जो क्वेश्चन है ये तो सीजीएल 2022 में पूछा गया है, सीजीएल 2022 में पूछा गया। ठीक है, बात करें यहाँ पे स्प्रिंग तुला, स्प्रिंग स्प्रिंग तुला, स्प्रिंग जो तुला है उसके बारे में बात करें तो इसका जो आविष्कारक है वो है रिचर्ड सॉल्टर, रिचर्ड सॉल्टर। ठीक है, पीजो मीटर। ठीक है, इसके आविष्कारक किसको बताइए कौन होंगे? इसका आविष्कारक है हंस क्रिश्चियन, हंस क्रिश्चियन, हंस क्रिश्चियन। क्लियर है? वैक्यूम गेज। इसके आविष्कारक का नाम बताइए क्या है? बॉयल। तो ये जो बेसिकली जो मर्करी बैरोमीटर होता है, मर्करी बैरोमीटर का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? तो वायुमंडलीय जो दाब होता है उसको मापने के लिए यूज किया जाता है, वायुमंडलीय जो दाब होता है वो दाब होता है उसको मापने के लिए यहाँ पे मरकरी बैरोमीटर का यूज किया जाता है। स्प्रिंग जो तुला होता है उसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है? तो स्प्रिंग के तनाव से जो वजन होता है उसको मापा जाता है। ठीक है, पीजोमीटर का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? तो पीजोमीटर का जो प्रयोग है वो गैस के दबाव या जो लिक्विड के दबाव को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और वैक्यूम गेज की बात करें तो वैक्यूम गेज का यूज कहाँ पे किया जाता है? इसका भी वायुमंडलीय दबाव के नीचे के दबाव को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस हैं आपके काफी वीवीआई क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स में आपको देखने के लिए मिलेगा। बात करें यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे कि पेंटियम चिप जो है के सृजन से निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति जुड़ा हुआ है? तो ऑप्शंस की बात करें यहाँ पे, अरुण नेत्रवल्ली, सबीर भाटिया, सी कुमार पटेल और विनोद धाम। इसका आंसर है डी, जो पेंटियम चिप है तो किससे जुड़ा, मतलब इस पेंटियम चिप से कौन सा व्यक्ति जुड़ा हुआ? तो विनोद धाम। यहाँ पे बात करें हम लोग कुछ जैसे कि जी जी का मान का खोज किसने किया है? जी का मान का खोज किसने किया है? तो जी का मान का खोज जो किया गया है, जो जी है उसका मान का खोज किया गया हेनरी हेनरी कैवेन डिस के द्वारा, हेनरी कैवेन डिस के द्वारा। और इसका खोज कब किया गया? तो 1970 में, 1978। ये जो जी है इसकी वैल्यू कितनी है होती है? इसका जी जो है इसका वैल्यू जो है होता है 6.754
इंटू 10^-11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है आपके और सीजीएल 2022 में पूछा गया है, सीजीएल 2022 में एक क्वेश्चन पूछा गया। क्लियर है। बात करें यहाँ पे कि जो रेडियम होता है, रेडियम का खोज किसने किया है? रेडियम का खोज मैरी क्यूरी के द्वारा किया, मैरी क्यूरी के द्वारा किया। कब किया गया था? 1898 में, 1898 में किया गया था। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, प्रेरण। ठीक है, इसका खोज किसके द्वारा किया गया था? तो माइकल फैराड के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? माइकल फैराड, माइकल फैराडे के द्वारा किया गया। ठीक है, और कभी एक खोज किया गया था? तो 1831, 1841। बात करें यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण का नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम या गति का सिद्धांत, और गति का सिद्धांत, ये दोनों किसने दिया बताइए? तो ये दिया गया था आइजैक न्यूटन के द्वारा, आइजैक न्यूटन के द्वारा, आइजैक न्यूटन ने इसका खोज किया था, गुरुत्वाकर्षण का नियम और गति का सिद्धांत। क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। भट किसने पहला स्वचालित वाहन ऑटोमोबाइल बनाया था? बात कर रहा है कि किसने पहला स्वचालित वाहन या ऑटोमोबाइल बनाया था? ऑप्शन की बात करें तो डेमले, हेनरी फोर्ड, रुडोल्फ डीजर और कार बेंच। आंसर बताइए क्या होगा? आंसर इसका डी, कार बेंच के द्वारा स्वचालित वाहन या ऑटोमोबाइल क्या है बनाया गया था। यहाँ पे बात करें और कि विद्युत चुंबकीय, ये सारे वीवीआई क्वेश्चन, विद्युत चुंबक तत्व की खोज किसने की थी? याद है, विद्युत चुंबकत्व की खोज किसने किया था? तो यह है हैंस पोस्टेड, हैंस पोस्टेड के द्वारा विद्युत चुंबकत्व क्या किया, खोज किया गया था। ठीक है, बात करें यहाँ पे कि बैटरी का आविष्कार किसने किया था, या इलेक्ट्रिक बैटरी तो आप करें यहाँ पर, इलेक्ट्रिक बैटरी, इलेक्ट्रिक बैटरी का खोज किसके द्वारा किया गया था? तो है वोल्टा के द्वारा। किसके द्वारा? वोल्टा के द्वारा। क्लियर है। बात करें यहाँ पे कि हाइड्रोजन लैंप, हाइड्रोजन लैंप, हाइड्रोजन लैंप का खोज किसके द्वारा किया गया था? ये भी वोल्टा के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया था? वोल्टा के द्वारा। क्लियर है। ठीक, बात करें यहाँ पे विद्युत चुंबकीय प्रेरण का, विद्युत चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, प्रेरण की बात करें किया जाए तो किसने किया था? तो माइकल फैराडे, माइकल फैराडे के द्वारा खोज किया गया। ठीक है, माइकल फैराडे के द्वारा खोज किया गया था। बात किया जाए यहाँ पे रेडियो धर्मिता, रेडियो एक्टिविटी, रेडियो धर्मिता, रेडियो धर्मिता की बात किया जाए तो किसने किया था? हेनरी, हेनरी बेकरेल के द्वारा, हेनरी बेकरेल के द्वारा रेडियो धर्मिता का खोज किया गया। क्लियर है। बात किया जाए यहाँ पे और कुछ और, फाउंटेन पेन, फाउंटेन पेन, फाउंटेन पेन क्या बात किया जाए तो इसका आविष्कार किसने किया था? वाटर मैन के द्वारा, वाटर मैन
के द्वारा किया गया। जो इलेक्ट्रिक बैटरी का है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया इलेक्ट्रिक बैटरी का खोज, ये भी सीएचएसएल 2022 का क्वेश्चन है। इसमें सीएचएसएल 2022 में का एक क्वेश्चन, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन, हाइड्रोजन लैंप, रेडियोधर्मिता, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, फाउंटेन पेन, फाउंटेन पेन भी आपका पूछा गया है, और एमटीएस 2022 का है, एमटीएस 2022 में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक। तो ये सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, ठीक है। यदि बात किया जाए यहाँ पे डायनामाइट, डायनामाइट, डायनामाइट का खोज किसने किया था बताइए, तो है उसके अल्फ्रेड नोबल, अल्फ्रेड नोबल के द्वारा डायनामाइट का खोज किया गया। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित निम्नलिखित में से वह कंपनी कौन सी है जिसने ट्रांजिस्टर रेडियो का आविष्कार किया था। कंपनी का नाम पूछ रहा है यहाँ पे, ट्रांजिस्टर रेडियो का आविष्कार किस कंपनी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन की बात करें, सोनी, ग्रैंडे, पैनासोनिक और टेलस्ट्रा। आंसर है इसका बी, ग्रैंडे के द्वारा ट्रांजिस्टर रेडियो का खोज किया गया, ठीक है। यहाँ पे बात किया जाए और तो कार्बन माइक्रोफोन, कार्बन माइक्रोफोन का जो खोज किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, डेविड ह्यूज के द्वारा, डेविड ह्यूज, ठीक है। अल्ट्रासाउंड की बात करें, अल्ट्रासाउंड की बात करें तो अल्ट्रासाउंड का खोज यान डोनाल्ड के द्वारा किया गया, यान डोनाल्ड। क्लियर है। चल नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, और सापेक्षता का जो सिद्धांत दिया गया था किसके द्वारा दिया गया था, ये भी क्वेश्चंस बार बार पूछा जाता है और सीएचएसएल में आया भी है, सीएचएसएल 22 का, सॉरी सीएचएसएल 20 का, ठीक है। सापेक्षता का सिद्धांत, सापेक्षता सिद्धांत एक किसने दिया था बताइए, अल्बर्ट आइंस्टीन, आइंस्टीन के द्वारा एक तो दिया गया, अल्बर्ट आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा इस सापेक्षता का सिद्धांत दिया गया है। क्लियर है। और नेक्स्ट देखते हैं, वीडियो टेप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, वीडियो टेप है उसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया। तो ऑप्शन की बात करें यहाँ पे, तो रिचर्ड जेम्स, गिन्सबर्ग, अंसर और मेल्स ट्रॉल के द्वारा। आंसर बताइए क्या होगा, आंसर है बी, गिन्स बर्ग के द्वारा, चार्ल्स गिन्स बर्ग के द्वारा वीडियो टेप का आविष्कार किया गया है, ठीक है। यहाँ पे बात करें हम लोग तो एक्सरे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, एक्सरे का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था बताइए, रो एंड जेन के द्वारा, जेन के द्वारा एक्सरे का खोज किया गया। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछा गया है, ठीक है, सी एच एस एल का क्वेश्चन। बात करें यहाँ पे हम लोग और नेक्स्ट देखते हैं, वॉइस मेल का आविष्कार किसने किया था, वॉइस मेल का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन की बात करें, गॉर्डन मैथ्यूज, एलेक्जेंडर ग्राहम बेल, जे ए फ्लेमिंग और वी पालसेन के द्वारा। आंसर बताइए क्या होगा यहाँ पे, आंसर यहाँ पे ए, गॉर्डन मैथ्यूज के द्वारा वॉइस मेल का आविष्कार किया गया था। क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स से बात किया जाए
क्वांटम मैकेनिक्स का खोज किसने किया था बताइए? ये हाइजेनबर्ग के द्वारा। इसके द्वारा हाइजेनबर्ग के द्वारा क्वांटम मैकेनिक्स का खोज किया गया था, और इसके लिए उनको जो हाइजेन है उनको 1932 में क्या दिया गया था? फिजिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया था, फिजिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया था। नोबेल प्राइज बात करें यहाँ पे एक और तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अति चालक का, अति चालक ठीक है, अति चालकता का खोज किसके द्वारा किया गया बताइए? इसकी खोज कौन से किया, कौन से किया न्यूट्रॉन की खोज? ये भी क्वेश्चन पूछा गया, न्यूट्रॉन की खोज, न्यूट्रॉन की जो खोज है उसका बताइए किसके द्वारा किया गया? जेम्स चैडविक के द्वारा, जेम्स चैडविक के द्वारा किया। ये सारे काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम्स में 100% देखने के लिए मिल जाएंगे। बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग सिद्धांत, बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था बताइए? दे एडविन हबल थे, क्या नाम था उनका? एडविन हबल के द्वारा दिया गया, एडविन हबल के द्वारा दिया गया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो सेलुलर फोन का पिता किसे कहा जाता है? सेलुलर फोन का पिता किसको कहा जाता है? ऑप्शन की बात किया जाए तो लिनस टॉरिल, स्पेंसो, मॉरिसन और मार्टिन कूपर, बताइए किसको कहा जाता है? आंसर है डी, मार्टिन कूपर को सेलुलर फोन का क्या क्या पिता कहा जाता है। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है केवलर, काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकता है, काफी संभावना आने की। केवलर, केवलर का जो खोज किया था किसके द्वारा? लुइस, लुइस कोवलेक के द्वारा किया गया, लुइस कोवलेक के द्वारा किया गया ठीक है। ये जो केवलर है वो स्टील से भी काफी मजबूत फाइबर है, एक तरह का फाइबर होता है जो स्टील से भी क्या होता है, काफी मजबूत फाइबर होता है, स्टील से काफी मजबूत फाइबर, मजबूत फाइबर ठीक है। अब कब किया था? 1962 में किया था, 1965 में। परमाणु बैटरी का आविष्कार की बात किया जाए, परमाणु बैटरी, परमाणु बैटरी का जो आविष्कार किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? हेनरी, हेनरी मोस्ले के द्वारा, हेनरी मोस्ले के द्वारा ठीक है। और कब किया गया था? 1912। क्लियर है? यदि हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे, तो शल्य चिकित्सा के लिए कृत्रिम हृदय का प्रयोग किसने शुरू किया था ठीक है? शल्य चिकित्सा के लिए कृत्रिम हृदय, आर्टिफिशियल हार्ट, आर्टिफिशियल हार्ट, काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है, वीवीआई है ठीक है। कृत्रिम हृदय का प्रयोग किसने शुरू किया था? ऑप्शन की बात करें यहाँ पर, क्रिश्चियन बर्नार्ड, माइकल डी पैकी, वाल्टन लिले हेल और डेंटन टुली के द्वारा, बताइए आंसर क्या होगा इसमें? आंसर है ए, क्रिश्चियन बर्नार्ड ठीक है। यहाँ पे और भी कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। परमाणु, परमाणु का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो जॉन डाल्टन के द्वारा, जॉन डाल्टन के द्वारा। क्लियर है? रेडियम को बता ही चुके हैं कि हेनरी, सॉरी मैडम क्यूरी के द्वारा ठीक है, एक्सरे रोंटगेन के द्वारा। यदि बात करें यहाँ पे और बताइए, कंप्यूटर, कंप्यूटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया?
कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज के द्वारा। चार्ल्स बेबेज, चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया। ठीक है, फाउंटेन पेन, फाउंटेन पेन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो वाटर मैन के द्वारा किया गया, वाटर मैन के द्वारा किया गया। क्लियर। ग्रामोफोन, ग्रामोफोन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो एडिसन के द्वारा। किसके द्वारा? एडिसन। क्लियर है। सेफ्टी लैंप, सेफ्टी लैंप, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? हम फ्रेडेवी के द्वारा, हम फ्रेडेवी के द्वारा। क्लियर है। टेलीफोन बताइए, टेलीफोन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल के द्वारा, ग्राहम बेल। क्लियर है। टेलीविजन, टेलीविजन का, टेलीविजन का किसके द्वारा किया गया? तो वेयर्ड, वेयर्ड, वेयर्ड के द्वारा। क्लियर है। टाइपराइटर, टाइप राइटर, टाइपराइटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो टैरी, टैरी। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि डाक मीटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है? डाक मीटर का आविष्कार कौन है? ऑप्शन की बात करें यहाँ पे तो फ्योदोर पिरोवस्की, पिटनी, फेल्यूमा और स्टीफन पेरी। आंसर बताइए क्या होगा? आंसर है वी, आर्थर पिटनी के द्वारा। यदि बात करें यहाँ पे हम लोग थर्मोस्कोप, थर्मोस्कोप, थर्मोस्कोप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो गैलीलियो के द्वारा, गैलीलियो के द्वारा। ठीक है। ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर का प्रयोग किसके द्वारा, तो मतलब आविष्कार किसके द्वारा किया गया? माइकल फैराडे के द्वारा, माइकल फैराडे के द्वारा। क्लियर है। बात करें यहाँ पे वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो एक हार्ले मिशन कंपनी थी, उसके द्वारा किया गया। हार्ले मिशन कंपनी के द्वारा। क्लियर है। मशीन गन, मशीन गन, मशीन गन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? बताइए। जेम्स पकल के द्वारा, जेम्स पकल के द्वारा किया गया। क्लियर है। पेनिसिलिन काफी इंपॉर्टेंट है, पेनिसिलिन, बताइए किसके द्वारा किया गया आविष्कार? एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसे, किसने किया था? ठीक है, आविष्कार कौन था ऑप्टिकल फाइबर का? ऑप्शन की बात करें यहाँ पे, सैमुअल कोहेन, नरेंद्र कपानी, पीएल स्पेंसर और टीएच माइमा। बताइए आंसर क्या होगा? तो आंसर है बी, नरेंद्र कपानी। ठीक है।
यहाँ पे बात किया जाए कि पेपर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, पेपर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, थे मुलबेरी, मुलबेरी, क्लियर। बात करें यहाँ पे हम लोग रिवॉल्वर, रिवॉल्वर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, तो सैमुअल कोल्ट के द्वारा, सैमुअल कोल्ट, सैमुअल कोल्ट के द्वारा रिवॉल्वर किया गया। लेजर की बात करें यहाँ पे, लेजर का बात किया जाए तो लेजर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, थियोडोर, या थियोडोर, थियोडोर मेमैन के द्वारा, मे, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बारूद का आविष्कार किया गया था, बारूद का आविष्कार किया गया किसने किया था, रोजर बेकन ने, होल्ट ने, सीवी रमन ने, या डॉक्टर गैटिंग ने, बताइए आंसर क्या होगा। आंसर है रोजर बेकन के द्वारा किया गया। यहाँ पे और कुछ इंपोर्टेंट आविष्कार हैं जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, जैसे जेट इंजन, जेट इंजन, जेट इंजन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया बताइए, फ्रैंक, फ्रैंक विटले के द्वारा, विटले के द्वारा, क्लियर है। सौर मंडल का आविष्कार, सौर मंडल, सौर मंडल का कॉपरनिकस के द्वारा, कॉपर निकस, क्लियर है। बात करें ग्रहों की खोज के बारे में, तो ग्रहों को किसने खोजा था, ग्रहों की खोज है कैपलर के द्वारा, कैपलर के द्वारा ग्रहों का क्या किया गया था, खोज किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर में आया भी हुआ है, ठीक है। तो एक्सरे किरणों की खोज किसने की थी, किसके द्वारा एक्सरे का किरणों का खोज किया गया था, गोल्डस्टीन, थॉमसन, रोंटजेन और बीएन, आंसर बताइए क्या होगा। आंसर सी, रोंटजेन के द्वारा एक्सरे किरणों का क्या किया गया, खोज किया गया, क्लियर है। सो फ्रेंड्स, ये आपके काफी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो है आपके एग्जाम्स में दिख जाएंगे। सो यदि लगता है कि वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू, आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी गुड।